जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर जी? उम्मीद है जी आपके बर्ड और आप कह रहे हो आप कैसे ही होंगे। लेकिन जी अगर आपने लव बर्ड हॉबी में ज़िंदा रहना है और इस हॉबी को आपने प्रमोट भी करना है और इसके लिए आपने काम भी करना है, तो या आप इसको काफ़ी सालों से या कुछ सालों से आप इसको रन कर रहे हैं, तो इसके लिए सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब इसमें कंट्रीब्यूशन इसलिए हासिल नहीं है कि आप लोग एक दूसरे की टांगें खींचें, आप लोग एक दूसरे को रेट के लिहाज से तंग करें। देखें आपका जो ब्रोकर है और साल जो मार्केट में काम करने वाला बंदा है, उसका तो काम ही यही है कि उसने आपसे 10 रुपये की चीज़ लेनी है और उसको 11 रुपये भी कहीं पे भी मिले उसने सेल कर देनी है, उसका तो काम प्रॉफिट पे है। लेकिन जो घर में ब्रीड करवाते हैं, जिन्हें जो अपने सेटअप रन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके पास बात कर ब्रीड अच्छी आती है ब्रीड अच्छी नहीं आती है, तो उनको अगर वो आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर आपस में वो मिल के नहीं चलते हैं, तो तीसरा बंदा उसका फ़ायदा उठाता ही उठाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप और हम सब मिल के चलें। अगर रेट्स थोड़े से कम हो भी गए हैं या करने भी पड़े हैं, तो इससे आगे चलें। एक चीज़ हो गई तो इससे अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इसको मेंटेन कैसे करें। इस ये जो रेट्स अब आ गए हैं, इस जिस भी जगह पे आ गए हैं, इसको मेंटेन कैसे करें, लव बर्ड की सेल में कैसे हम अहम किरदार अदा करें, क्या ये हमें मतलब के तौर पे हमारे दाना पानी या हमारी एक्स्ट्रा चीज़ों पे अभी भी खर्चे उठा रहे हैं, या अभी हम इसको खुद से रन कर सकते हैं, क्या एक सैलरी पर्सन भी रन कर सकता है, तो इस हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।